आज बनाएंगे बढ़िया सा रसमलाई। और ये रसमलाई ना मिनटों में बनके तैयार हो जाता है, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि किसी भी रेसिपी को बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, पूरे दिलो जान लगाना पड़ता है तब जाके बनता है। तो यहाँ पे ना मैंने 1 लीटर दूध लिए फुल क्रीम, और इसे रख देंगे गैस पे। थोड़ा सा जैसे ही उबाल आए ना इसमें हम डाल देंगे विनेगर, आप चाहें तो विनेगर की जगह पे नींबू डाल सकते हैं, उससे भी दूध काफी अच्छे से फट जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब विनेगर ली है और उसे ऐड कर दी है। अब दूध फटना शुरू हो गया है, तो हम धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे ताकि दूध काफी अच्छे से फट जाए। और जैसे ही दूध फटना शुरू हो जाए हम मतलब इसे चलाते ही रहेंगे, 2 से 3 मिनट लगेगा, ये काफी जल्द ना दूध और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम इसे छान लेंगे एक कपड़े पे, सूती कपड़े पे, ताकि इसका पूरा पानी बाहर अलग हो जाए। और यहाँ पे ना मैंने सूती कपड़ा लिया, लेकिन ये कपड़ा ना मैं थोड़ा सा नया है, तो इसमें बहुत ज्यादा माड़ी होता है ना नए कपड़े में, तो इसका पानी जल्दी से नहीं अलग हो रहा था। खैर, आप इसे बांध के भी रख सकते हैं, या तो ठंडे पानी से ना धो सकते हैं, उससे बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो मैंने ना इसे बांध के 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दी थी, तो ये देखिए पूरा पानी निकल गया है और ये काफी अच्छे से ना मतलब पूरा दूध का छेना ही बचा है। अब इसे ना हम निकाल लेंगे एक थाली में, और यहाँ पे ना मैंने रबड़ी के लिए दूध ली है, तो ये आधा लीटर से अधिक है और 1 लीटर से कम है। अब उसे क्या बोलते हैं, 1.25 लीटर या 1.25 लीटर, क्योंकि मैं इस चीज में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। और यहाँ पे ना दूध काफी कम हो गया है जल के, तो इसमें थोड़ी सी इलायची डाल दी है, और इसी में डाल देंगे केसर वाले दूध। तो यहाँ पे ना मैंने केसर भिगो रखी थी थोड़ी सी दूध में, उसे भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी इसमें डालेंगे चीनी, तो चीनी वाले मैं चीनी ऐड कर दी थी इसमें, और आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग में चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पे होने देंगे ताकि और गाढ़ा हो जाए, और उससे पहले हम डाल देंगे थोड़ी सी इसमें ड्राई फ्रूट्स, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसे ना मतलब जैसे जैसे ये उबाल आ रहा है ना, इसमें कलर आते जा रहा है केसर का, तो बहुत ही प्यारा सा कलर भी आता है और स्वादिष्ट भी बहुत होता है। तो आप इस तरीके से जरूर बनाना एक बार। और यहाँ पे ना मैंने थाली में निकाल लिया इसे, और अब ना हम इसे हथेली से मसल मसल के काफी अच्छे से ना मिला लेंगे। जब तब तक हमें मसलते रहना है ना, जब तक ये पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो दोस्त मतलब 4 से 5 मिनट में ना ये काफी अच्छे से इसका एकदम सॉफ्ट हो जाता है लो। और यहाँ पे मैंने ली है 1 लीटर के करीब पानी, और उसमें ऐड कर दी है 1 कटोरी चीनी। अब चीनी को मेल्ट होने देंगे, और ये ना काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर या तो थोड़ी सी मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारी चीजें स्किप करी हुई है, बस ये दूध का छेना ही है। और ये काफी अच्छे से ना तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसकी लोई बना लेंगे छोटी छोटी सी। तो आप जितना भी बड़ा मतलब बनाना चाहते हैं ना रसगुल्ले को, उतना बड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का करी है, और ये देखिए ऐसे ही सारी पेड़ों को बना लेंगे। तो बहुत इजी है बनाना, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं ना, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही लगता है। खैर, यहाँ पे मैंने ना सारी पेड़े बना ली है, रसगुल्ले बना ली है, और यहाँ पे ना टोटल 12 से 13 रसगुल्ले हुए हैं। और इधर ना चीनी और पानी में काफी अच्छे से उबाल आने लग गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक एक करके। तो ऐसे ही हमें बना लेना है और ऐड कर देना। और अभी ना इसकी साइज देखिए आप कितना छोटा है, लेकिन जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा ना, साइज में ही दुगुना हो जाएगा। और ये देखिए ये कितना बड़ा हो गया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, तो झिझकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप थोड़ी सी चीजों का ध्यान देंगे ना, तो ये देखिए इसकी साइज। और बस इसे ना मतलब हम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से ढक के पका लेंगे। मैंने तो यहाँ पे साइज बस दिखाया है, और ना इधर दूध काफी जैसे ठंडा हो गया है। अब हम दूध में एक एक करके डाल देंगे इसे, और इसे भी मतलब डुबो के छोड़ देंगे।
में या तो आप ऐसे ही किचन में छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना 5 से 10 आधे से 1 घंटा के लिए छोड़ दी थी। और ये देखिए, ये हमारा स्पेशल सा रसमलाई बनके तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में, और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ या नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और रेसिपी में क्या आपको अच्छा लगा जरूर बताना कमेंट में।